नमस्कार यम्मी पकवान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ आलू का पराठा। इसके लिए हमने आटा पहले से गूंद लिया है, तो आलू उबले ले रखा, आलू पहले से उबाल लिया है। हरा धनिया हमने 2 चम्मच ले रखा, कटी हुई हरी मिर्च 1 है, थोड़ा सा अदरक हमने इसको पीसा हुआ ले रखा, तेल हमने इसको लगाने के लिए घी लगा रखा, और ये है अजवाइन, इसमें डालेंगे हम। ये हैं हमारे पास मसाले जो हम डालेंगे और बताते रहेंगे। अब हम ये आलू छील लेते हैं। आलू हमने छील लिया, छील के हमने तोड़ लिया अच्छी तरह हाथ से। इसको हम कद्दूकस भी कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, अदरक, अजवाइन थोड़ा सा ऐसे हाथ से रगड़ के डालेंगे। अब हम डालेंगे जो हमने मिर्च काट रखा था, हरी मिर्च। अब हम डालेंगे इसमें मसाले, थोड़ा सा लाल मिर्च कुटी हुई, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, जीरा पाउडर भुना हुआ जीरा पाउडर थोड़ा सा 2 पिंच, गरम मसाला 2 पिंच, नमक स्वाद अनुसार। अब हम इसको सब फिर से मिला लेंगे अच्छी तरह। अब हमने सारा मिला लिया इसमें। अब हमारी आलू की स्टफिंग बहुत बढ़िया तैयार है। अब हम लेते हैं आटा, और इसके लिए अब हम एक चकला लेंगे और आटा लेके हम पेड़ा बनाते हैं। थोड़ा हमने सूखा आटा ले रखा परोठे में लगाने के लिए बेलते समय। अब हम बनाते हैं, इतना छोटा सा पेड़ा लेंगे एक, इसको ऐसे करके आटा हम साइड कर देंगे। इसको ऐसे हाथों से दबाते हुए ऐसे करके अब हम इसमें लगाएंगे सूखा आटा। फिर इसकी हम एक कटोरी सी बनाएंगे ऐसे ऐसे करके, फिर इसको हम हाथों से ऐसे दबा देंगे। अब ये हमारा तैयार है। अब हम इसमें आलू की स्टफिंग डालेंगे। इसको अपने मन पसंद भर सकते हैं, कम चाहें तो कम भर सकते हैं, ज़्यादा चाहें तो ज़्यादा। हमने 1.5 चम्मच इसमें भर दिया। अब इसको ऐसे दबाएंगे, इसको ऐसे दबाते हुए ये अंदर हो गया। अब इसको ऐसे कर देंगे, ऐसे करके ऐसे कर देंगे। अब इसको हम फिर दबा देंगे ऐसे। अब हम इसमें एक बार सूखा आटा फिर लगाएंगे। अब हमारा परोठा तैयार है। अब हम इसको बेलेंगे। गैस उधर हमने जला दिया है, तावा रख दिया है, गर्म हो रहा है। परोठा अपने मन पसंद से बना सकते हैं, छोटा बनाना चाहें तो छोटा बना सकते हैं, बड़ा बनाना चाहें बड़ा बना सकते हैं। अगर इस तरीके से बनाएंगे तो ये बिल्कुल नहीं फटेगा। आप देख सकते हैं हमने इसको हाथों से मैश किया था, तभी भी ये बिल्कुल नहीं फट रहा है। इसको बहुत आराम से बेलेंगे हम, हल्के हाथों से, हर तरफ से, किनारों से पहले बेलेंगे, उसके बाद में हम बीच से बेलेंगे। परोठा हमारा तैयार है। अब हम इसको डालेंगे तवा पर। अब हम एक तरफ ऐसे पलट देंगे। अब हम इसमें लगाएंगे घी। इसको घी से भी बना सकते हैं, रिफाइंड में भी बना सकते हैं, इसको डालडा में भी बना सकते हैं, सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, जिसमें दिल करे उसमें बना सकते हैं। हर तरफ हम अच्छी से लगा देंगे। इसको लोहे के तावे पर भी बना सकते हैं।
परोठा हमारा तैयार हो चुका है, अब हम इसको रख लेते हैं। अब हमारा परोठा गरम गरम बन के तैयार है, बहुत टेस्टी परोठा है। और अगर हमारा परोठा अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।